पानी के ये नाले को लग के 32 घंटा जगह, बारिश में पूरा भरा हुआ रहता है। अगर बिगर बारिश भी इधर 40 फुट पे 50 फुट पे पूरा पानी लगता है बोरिंग में। सामने पूरा व्यू देख सकते हो, आजूबा पर्वत का पूरा व्यू देखिए, पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ देखिए पूरा। इस पानी के नाले को लग के बारिश में आप इधर एग्रोटूरिज्म टेंट डाल के करोगे तो बहुत बड़ा अच्छा खासा काम हो सकता है। और ये पूरी जगह सामने वो जेसीबी चल रहा है, उधर रोड है, पीछे आजूबा पर्वत का व्यू, पूरा माउंटेन वैली व्यू, नदी, पूरी ये जगह। ये खेती भी इसके अंदर आती है, खेती देख रहे हो, लाइट से पोल आ चुके अंदर, पूरी टेबल लैंड जगह है। सनसेट देखिए इधर से कैसा दिख रहा है, एकदम पूरी टेबल लैंड जगह है। छोटा सा टुकड़ा 32 घंटे का, पानी के नाले को लग के बारिश में तो एकदम मनाली के जैसा हो जाता है, एकदम पानी भरा हुआ रहता है, आराम से बच्चे खेल सकते हैं, 1-2 फुट के पानी भरा रहता है। ये देखिए जगमत इसको कहते हैं, पूरी टेबल लैंड जगह। ये सामने पेड़ तक अच्छा खासा है, जगह तक रोड मिलेगा आपको, पूरा पूरी टेबल लैंड है। ब्यूटी देखिए आप पूरी है कि नहीं, जन्नत बहुत ही अच्छी, पूरी मिट्टी वाली जगह, एक साइड पानी का नाला, पूरी टेबल लैंड, पहाड़ों का व्यू, लाइट, खेती। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि छोटा सा 32 घंटे का टुकड़ा है, बहुत कम चीज़ें ऐसे मिलती है, बहुत छोटा सा पार्सल पहाड़ों के बीच में। ये खेती भी इसके अंदर आता है, ये सामने रोड, ऐसी जन्नत आजोबा पर्वत, वाल्मीकि आश्रम जिधर रामायण में सीता मैया लव कुश वगैरह रुके थे वो ये जगह है। पूरा पवित्र स्थान, पॉजिटिव एनर्जी, एक बार जगह खाली विजिट कीजिए आपको इधर का पॉजिटिव एनर्जी समझ में आ जाएगा। सनसेट